दो दिन से घर से लापता युवक का गला रेतकर हत्या। स्थानीय लोगों ने सड़क किया चक्का जाम। घोरावल कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर से दो दिनों से काम कर गए युवक का शव रॉबर्ट संगज मार्ग पर बेला नदी में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबकी पहचान करवाई तो युवक की पहचान संतोष कुमार भारती पुत्र रामनाथ उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 1 घोरावल के रूप में हुई। युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी। युवक के सबकी पहचान होते ही परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए और घोरावल रॉबर्ट संगज सड़क को जाम कर जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं घंटों से जाम की खबर के बाद मौके पर पहुंचे एसपी व सीओ ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोनभद्र से जेपी सिंह की रिपोर्ट। मिला है इसमें ये क्या मामला है, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? ये 29 तारीख की सुबह 9 बजे जो बॉडी मिली है संतोष की, इनके पिता रामनाथ ने बताया कि सुबह 9 बजे लल्लन आए थे कि पिकअप गाड़ी से कि थोड़ा सामान उतरना है मंडी में वहाँ चले, तो उसको ले जा ले गए और लेकिन लड़का उसके बाद वापस नहीं आया। तो उन्होंने उससे पूछा कि लड़का कहाँ है, कह रहे लड़का आपका कल तक आ जाएगा। तो कल 30 तारीख में शाम को ये पता चला कि अभी नहीं आया है लड़का, फिर आश्वासन उन्होंने दिया कि कल तक आ जाएगा। इस सूचना पर जब इन्होंने प्रार्थना पत्र थाने पर दिया तो थाने की सारी टीमें हमारी तुरंत सक्रिय हुई, सारे नंबर्स को देखा गया तो बहुत सारे नंबर बंद आए, तो इस पर संदेह पैदा हुआ कि कोई ना कोई घटना निश्चित रूप से संभावित है, हो सकती है। आज हमारी टीमें जब काम कर रही थी तो ये सूचना दी गई कि एक बॉडी कर्री के बड़ा गाँव के पास में पुलिया के नीचे है, तो जो वादी है उनको ले जाकर दिखाया गया तो उन्होंने पहचान करी कि ये बॉडी उनके बच्चे संतोष की है। तो इस पर कल ही मुकदमा लिखा दिया गया था और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग खिलाफ मुकदमा है? अभी 3 लोगों के खिलाफ है, लल्लन है, निशु शाह और मिट्टू के खिलाफ लिखा गया है। धन्यवाद जी सर।